और चूना चूना लगा के चले गया। क्या बोलता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ, का जो वेदर है ना इतना कूल वाला है और इतना रोमांटिक है ना कि मैं क्या बताऊँ। एज ऑलवेज नमस्ते भाई और उनके बहनों, मैं हूँ आपका पीएम के व्लॉग्स। आइए कुछ नया देखते हैं। तो आज है 2 तारीख 2 जून 2020। तो आज सुबह सुबह नहीं क्या इतने जम के बारिश आई है ना, और उसके वजह से आज का जो मौसम है बहुत बढ़िया बन गया है। जैसे कि मैंने बताया इतना रोमांटिक है कि मैं क्या बताऊँ यार, सही में मतलब इतना फ्रेश एयर है ना कि मैं क्या बताऊँ। ये सब जो भी हुआ है ना वो सब लॉकडाउन के वजह से हुआ है। तो देखो लॉकडाउन हुआ तो पॉल्यूशन लेस हुआ, और पॉल्यूशन लेस हुआ तो इतनी फ्रेश एयर आने लग गई है एनवायरनमेंट में, तो इतना अच्छा लग रहा है ना, सुकून है, मज़ा आ गया। तो इसके पहले वाले व्लॉग में जैसे कि मैंने बताया था, कू कू बहुत कर रही है कोयल, बहुत अच्छा लगता है बाय द वे। जैसे कि मैंने बताया था इसके पहले वाले व्लॉग में कि मैं अगले वाले व्लॉग में एक बुरी बात बताऊंगा, तो वो तो बुरी बात तो बताऊंगा, बट उसके साथ में एक बहुत अच्छी बात भी हुई है, तो वो मैं बताता हूँ। आप थोड़ा सा टाइम लैप्स देखो और इन्जॉय करो, मैं वो प्रोडक्ट नीचे से ऊपर लाता हूँ। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप गेस करो और मैं बताता हूँ इसके बाद। 1 2 3 4 5। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले व्लॉग में बताया था कि मैं एक गोरिल्ला ट्राइपॉड ले रहा हूँ, तो वो फाइनली अपने पास आ गया है और मैं इसको अनबॉक्स करके बताता हूँ। तो मैं अभी जो अनबॉक्सिंग करूँगा ना वो सिर्फ आपको दिखावा है, क्योंकि इसको मैंने पहले ही खोल के देख लिया है कैसा क्या है, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट था उस टाइम पर। तो मैं दिखाता हूँ तुमको, तो मुझे कमेंट करके बताना ये बबल रैप खोलने में आपको कितना मज़ा आता है। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है, जब भी मेरे को मिल जाता है ना टाइम पास के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो लेट्स अनबॉक्स इट। तो ये वाला ट्राइपॉड जैसे कि मैंने बताया था पिछले वाले व्लॉग में, ए चुप रहे ना कोयल, पागल है क्या तू, मैं व्लॉग कर रहा हूँ तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या। तो ये है अपना ट्राइपॉड और इसको मैं अनबॉक्स करके बताता हूँ, मैंने खोल लिया है। तो इसकी बहुत सारी बातें, ए देखो अभी चुप हो गई। तो ये है अपना ट्राइपॉड और इसकी बहुत सही बात बताऊँ, ये फ्लेक्सिबल है पूरा, मतलब पूरा रबर का है। बस इसमें एक माइनस पॉइंट है, ये थोड़ा सा हेवी है बिकॉज ये रबर मटेरियल है। सो अगर किसी को चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से बाय कर सकते हो। और बहुत अच्छा ट्राइपॉड है, 630 रुपये में, 600 रुपये का प्रोडक्ट है और 30 रुपये डिलीवरी चार्जेस है, तो चलता है, छोड़ो। अभी मैं वो कोयल को चिल्लाया ना तो सही में चुप हो गई पे, ये यहाँ पे कहीं तो अभी बैठी है, वो मेरे को दिख रही है बट कैमरा में नहीं दिखेंगी शायद से, लेट इट बी। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज सुबह बारिश आई, बहुत जम के बारिश आई, तो हमने जो बैडमिंटन का जो ग्राउंड बनाया था उसकी जो बाउंड्रीज बनाई थी वो हमने चूना से बनाया था, बट ये पानी आई चूना के ऊपर, पूरा चूना चूना करके चले गया, मिट गया पूरा बाउंड्री, अब वापस से करना पड़ेगा यार, बहुत मेहनत का काम था वो यार। मुझे ये लॉकडाउन के टाइम नहीं के अपने स्कूल की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बिकॉज बहुत मस्ती करते थे हम, पूरी क्लास मिल के मस्ती करते थे ना, गर्ल्स एंड बॉयज़ सब मिल के, मतलब इतना तंग करते थे कि क्या बताऊँ मैं, मतलब अभी बहुत ज़्यादा याद आ रही है वो स्कूल के वाइब्स की, बहुत बहुत मज़ा किया है, बहुत 10th में तो सबसे ज़्यादा। हे गाइस, अब बात करते हैं कि मैं कौन सी बैड न्यूज़ के बारे में बात कर रहा था। तो एक्चुअली वो जो बैड न्यूज़ है ना वो 19 तारीख को ही हो गई थी, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले व्लॉग में बताया है। तो 19 तारीख को सुबह 6:30 से 7:30 के बीच में जो हुआ है वो यार दिल तोड़ दिया मेरा, मतलब बहुत अभी भी याद आती है उसकी। तो एक्चुअली हुआ ये था कि मेरा जो मिट्ठू है, चीनू नाम है उसका, तो चीनू बेचारा उड़ गया,
तो वो कैसे उड़ा मैं बताता हूँ। एक्चुअली दादी रोज सुबह उसका जो खाने पीने का जो कटोरी रहती है वो साफ करती है और मिट्टू को नहलाती है। तो दादी कटोरी निकालने के लिए उसके पिंजरे में से कटोरी निकाली और दादी को शायद से ध्यान में नहीं रहा कि उसका पिंजरा का जो गेट है वो खुला है। तो चीनू ने जैसे ही पिंजरे को देखा कि मेरा तो पिंजरे का गेट खुला है तो वो बाहर आ गया। और उसकी आदत है जब भी वो बाहर आता है ना तो सबसे पहला काम उड़ता नहीं है, वो सबसे पहले जाके पिंजरे के ऊपर बैठ जाता है और सब तमाशा देखता है। उसी टाइम मम्मी चार्जिंग लगाने आई मोबाइल पे और मम्मी ने देखा कि ये तो बाहर है। मम्मी ने जैसे ही चिल्लाया ना वो फड़फड़ाने लग गया। आई थिंक सो उसको शॉक लगा, मतलब बहुत जम के चिल्लाया था ना तो उसको डर लग गया। तो उसकी वजह से वो उड़ा और बादाम, मेरे घर के सामने एक बादाम का पेड़ है, वहाँ जाके बैठ गया। फिर वहाँ पे 2 मिनट भी नहीं, आई थिंक सो 30 सेकेंड बैठा और वहाँ से उड़ गया। आज उसको 10 से 11 दिन हो गए हैं वो उड़ गया है और अभी तक के तो वो वापस नहीं आया। बोलते हैं ऐसा कि वो वापस आते हैं बट नहीं आया अभी तक के। अब सबका अपना अपना रहता है यार, उसको फ्रीडम मिल गई, जो उसको चाहिए था वो उसको मिल गया। बट अभी भी सब लोग उसको मिस करते हैं। जो अटैचमेंट बन गया था ना वो बहुत अलग था यार, मतलब वो मैं बता नहीं सकता, वो फीलिंग्स है यार। अभी और थोड़ी देर मैंने कुछ बताया ना मैं रोने बैठ जाऊँगा क्योंकि बहुत इमोशनल हो रहा हूँ मैं। A few moments later. तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और व्लॉग को एंड करते हैं। सो एज ऑलवेज थैंक यू फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, सो मीट यू इन नेक्स्ट व्लॉग, गुड बाय। अब मैं जाता हूँ खेलने, हवा भी नहीं आ रही है, मजा आएगा, बूम।